लेकिन इस वक्त हम खड़े हैं गोकुलपुर गांव में, और आज यहां पे पूर्वी दिल्ली के सांसद और पूर्व दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष मनोज तिवारी जी यहां मौजूद हैं। और आप देखिए, वो किसानों को जो मोदी सरकार ने ऐतिहासिक फैसला लिया है उनकी MRP को बढ़ाने के लिए, उनकी इनकम को बढ़ाने के लिए, उसके लिए यहाँ किसानों को समझाया जा रहा है, उनको बताया जा रहा है। और आप देखिए, ये सभी लोग बैठे हैं, ये आसपास के लोग हैं, और साथ ही साथ ये जो किसान लोग हैं, जो किसान की खेती के लिए और इन सब चीज़ों के लिए जो उनको फ़ायदा मिला है, उनको समझाने के लिए ये चौपाल लगाई गई है। और देखिए, ये नज़ारा वो है जो गांव की चौपाल होती है, ये वही नज़ारा है और ये ही चौपाल कहलाती है। ये चौपाल है, लोग अपना हुक्का पी रहे हैं, ये खाट लगी है और ये चौपाल का नज़ारा है। और साथ ही साथ मनोज तिवारी जो सांसद हैं, ये सबको बता रहे हैं कि आपको फायदा क्या होने वाला है, प्रधानमंत्री मोदी ने आपके लिए क्या फायदे की स्कीम लाए हैं, क्या उन्होंने नए नए रूल और ऐतिहासिक फैसले किए हैं जो किसानों को आगे फायदा देगा। बीजेपी वाले सुनेंगे तो ऊपर चलो। दिल्ली के किसानों को, किसानी से जुड़े हुए लोगों को, उनको जागृत कर रहे हैं, जागरण कर रहे हैं कि जो हमने कृषि सुधार बिल लाए हैं मोदी सरकार ने, वो हर प्रकार से किसान को बहुत जो 70 सालों से अपेक्षा थी फायदे की, वो देने वाली है। लेकिन जिस प्रकार से इसमें कांग्रेस और आम आदमी पार्टी इसमें झूठ परोस रही है, हम उसको, उनके झूठ को निस्तेज करने के लिए और किसानों का असल फायदा बताने के लिए हम उनके बीच में आ रहे हैं। आज हम लोग गोकुलपुर गांव में आए थे और बहुत ही अच्छी सभा हुई, बहुत अच्छे से लोगों ने बात को समझा। मनोज जी, कितनी और सभाएं आपकी होनी है अपने आपकी अपनी लोकसभा में? देखिए, अब तो बिहार का चुनाव हो गया है, आज वहाँ कल अंतिम दिन है नॉमिनेशन का, परसों हमारी रैली है बिहार में, तो मैं अभी 10 तारीख तक बिहार रहूँगा, लेकिन 11 को फिर हमारी किसान रैली है जहाँ हम लोग जगतपुर गाँव में करेंगे, और आप लोग जरूर आइएगा वहाँ पर। वहाँ पे मैंने प्रदेश अध्यक्ष को भी बुलाया है, प्रदेश अध्यक्ष हमारे कोरोना से अब ठीक हो गए हैं, तो आदेश गुप्ता जी भी रहेंगे, और 11 तारीख को 4:30 बजे हमारा दूसरा किसान सम्मेलन। राहुल गांधी लगातार ट्रैक्टर रैली या और सब जो किसानों के लिए कर रहे हैं उसके बारे में? देखिए, राहुल गांधी ट्रैक्टर जलाओ रैलियाँ कर रहे हैं और हम लोग ट्रैक्टर बचाओ, किसान बचाओ कार्यक्रम कर रहे हैं। राहुल गांधी को जिस दिन किसान का दर्द समझ में आ जाएगा, उस दिन इस देश में राहुल गांधी को ऐसे झूठ परोसने की जरूरत नहीं। मनोज जी, सबसे बड़ी बात पैदा हो रहा है, देखिए हमारे देश को मुझे लगता है कि अब से पहले किसान हितेशी, जन हितेशी और गरीब हितेशी प्रधानमंत्री 70 साल में पहली बार मिला है। किसान को 1% इसमें नुकसान नहीं हुआ है। MSP यदि कोई कहता है कि हटा दी गई है तो MSP नहीं हटाई गई है, क्योंकि MS ये जो घटी है हटेगी तो ये मुझे बता दे, जो ये जो कोटे का है, जो राशन कोटा है, राशन कोटा कैसे मिलेगा? MSP हट जाएगी तो कैसे मिलेगा? तो इसका मतलब MSP तो हटी नहीं है भाई, 2 रुपये किलो कैसे मिल जाएगा फिर? तो ये तो किसान, ये जो बिचौलिए हैं, जो मंडियों के बिचौलिए हैं, जो किसान और मंडियों के बीच के जो बिचौलिए हैं, इन बिचौलियों ने ये किसानों को भ्रमित कर रखा है। सिर्फ इसलिए भ्रमित कर रखा है कि जिससे किसान उग्र हो जाए और हमारी जो दाल निकल रही वो दाल गल जाए। किसानों को कोई नुकसान नहीं है, किसान सम्मान निधि किसान के कोटे में, किसान के पहली बार पूरे जब आज़ादी हुई है, आज़ादी के बाद पहली बार 2,000 रुपया, एक साल में 6,000 रुपया खाते में आ रही। जो जो हमारी जो सुविधाएं किसानों को दी गई हैं माननीय मोदी जी की तरफ से, भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, आज देश का जो किसान है वो काफ़ी अपने आप को एक अच्छा महसूस कर पा रहा है कि जो मतलब उसके लिए यंत्रों के लिए सुविधाएं और जो आपके मतलब बीज खाद के लिए जो सुविधाएं, पहले क्या था, पहले बीज के जो लोग थे हमारे, जैसे हमारे भाई ने भी बताया था, बड़े भाई ने, कि जो MSP है, हमारे जैनी बैसला भाई ने बताया था कि जो MSP है वो MSP अब जो है आज के दौर में वो बिल्कुल हमारे अकाउंट में पैसा सीधा ट्रांसफ़र हो रहा है। पहले जो था, जो कालाबाजारी होती थी हमारे यहाँ पे, जैसे जो होते हैं अपने डीलर जो होते हैं, राशन डीलर, उनके यहाँ क्या था कि किसी का राशन कार्ड है या नहीं है,
अब माने मोदी जी ने वो सीधा सीधा कनेक्शन खत्म कर दिया, क्योंकि सीधा अकाउंट में पैसा जाएगा किसान के, तो उसके घर में मतलब उसके अकाउंट में पैसा जाएगा, तो उसको वो कुछ भी खरीद सकता है उस पैसे से। मैं स्पष्ट रूप से आम आदमी के तरीके से सिर्फ ये बताना चाहता हूँ कि मेरा सामान, और मुझे आज आज़ादी मिली है, पहले मैं बंदिशों में था, मेरे दायरे थे कि मैं इस सामान को इस दायरे के बाहर नहीं बेच सकता। आज मेरी मर्जी है मैं उस सामान को फ्री में दूँ या अपने मनमाने रेट पे दूँ। ये मतलब बहुत सिंपल तरीके से मैंने आपको समझाया। MSP अगर मैं बोलूँगा तो शायद बहुत लोगों को समझ नहीं आएगा। सिर्फ यही है कि अब किसान की मर्जी है कि वो अपनी चीज़ को फ्री में दे या फिर अपने मूल्य पर दे। और एक नई चीज़ जो इसमें हमको देखने को मिली है वो ये है कि मेरे पास पैसा नहीं है, ज़मीन मेरी है लेकिन खेती करने के पास मेरे पास पैसा नहीं है, तो बिजनेसमैन मुझे वो पैसा देगा और मेरी खड़ी फसल को वो देखेगा कि मैं किस तरीके से उसको पानी दे रहा हूँ, खाद दे रहा हूँ, और जब वो पक जाएगी तो किसान खेत से ही डायरेक्ट उस फसल को लेकर चला जाएगा। ये सबसे बड़ा फ़ायदा इस बिल के अंदर नज़र आया। गोकुलपुर गाँव में आज सांसद मनोज तिवारी आए थे और उन्होंने जो भी मोदी सरकार के फायदे हैं जो किसानों तक पहुंचने चाहिए और जो विपक्ष उनको भ्रमित कर रहा है, खासकर किसानों को, उन सब पे बात की, उनको समझाया। और आप देखिए ऐसी ही चौपाल इस पूरे ग्राउंड में लगी थी, यहाँ पे ऐसे ही लोग किसान यहाँ बैठे थे, ऐसी ही चौपाल लगी थी, साथ में हुक्का भी था, जो किसानों की सबसे बड़ी पहचान है खासकर इस एरिए से। और उन्होंने उनकी बातें समझी, उनको अच्छा लगा, समझ में आया, जो कन्फ्यूज़न था वो भी उन्होंने दूर किया। और इसके बाद उन्होंने अपनी बात को समझाने के बाद उनसे हाँ और ना में जवाब लिया, और उसका सीधा सीधा फायदा ये हुआ कि जो भी कन्फ्यूज़न किसानों के मन में थी वो अब दूर हो गई है। और उन्होंने कहा है कि यह हमारे फ़ायदे की चीज़ है और हम इसको मानेंगे, और हम आने वाले टाइम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत करते हैं कि वो हमारे किसानों के हित में ऐसे फैसले कर रहे हैं, और हम उनके हमेशा साथ हैं, क्योंकि ऐसा नेतृत्व हमेशा नहीं मिलता। हमारी खुशकिस्मती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसा इंसान प्रधानमंत्री के रूप में इस टाइम हमारे साथ है। न्यूज़ भारत TV, गोकुलपुर गांव, दिल्ली।